सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ पार्टी के दो विधायकों ने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम पार्टी का दामन आज थाम लिया। आज राजधानी गैंगटोक में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपर तादोंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जीटी ढुंगेल और नामचेबुंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यम प्रसाद ने इसकी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को ही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिनमें दोरजी सेरिंग 5 बार विधायक रहे हैं, उकेन ग्याल पूर्व मंत्री रहे, नरेंद्र कुमार सुंगा 3 बार के विधायक रहे हैं, डीआर थापा 2 बार विधायक रहे, कर्मा सोरिंग लेपचा 2 बार के विधायक रहे, केबी राय विधायक, टीटी भुटिया विधायक, परवंती तमांग विधायक, पिंटो नामग्याल विधायक, लेपचा राजकुमारी थापा शामिल हैं। अब ठीक इसके अगले दिन यानी आज एसडीएफ पार्टी को फिर झटका देते हुए अपर तादोंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जीटी ढुंगेल और नामचेबुंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यम प्रसाद ने एसकेएम का दामन थाम लिया। इस पर पार्टी के प्रवक्ता व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जैकब खालिंग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसकेएम पार्टी का पहले से ही भाजपा पार्टी के साथ अच्छे संबंध है। एसकेएम पार्टीले 17 अनि एसडिएफ पार्टीले 15 ल्याएर हामी एसडिएफ पार्टीमा प्रमुख विपक्षी दलका एमएलएहरू चुन्यौँ र त्यहाँदेखि यता हाम्रो जुन डेभलपमेन्ट हुँदै आयो, हाम्रो सरकार एसडिएफको सरकार 25 वर्ष चलेको थियो र योपालि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले सरकार गठन गरे पश्चात हामी अपोजिसनको भूमिका निभाउनुपर्छ र अपोजिसनमा बसेर सही काम हामीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अपोजिसन पनि चाहिन्छ र अपोजिसनको भूमिका निभाउँ र हामी जुन पार्टीमा थियौँ त्यही पार्टीमा बसेर हामीले हाम्रो काम गरौँ भन्ने हाम्रो मत थियो र त्यहाँ सिनियर विधायकहरूले नेसनल पार्टीमा जानुपर्ने र नेसनल पार्टीमा जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्दा त्यति बेलै हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ र विरोध गर्दै आयौँ। अनि अन्तमा आएर जब एसेम्ब्ली सेसन सुरु हुने कुरा आयो र एसेम्ब्ली सेसनमा पनि हामीले जनताको प्रतिनिधि जनताले चुनेपछि हामी जनताको आवाज हौँ र जबसम्म सदनमा आफ्नो कुराहरू राखिँदैन, आफ्नो क्षेत्रको कुराहरू राखिँदैन तबसम्म कुनै काम हुँदैन, अनरेकर्ड हुनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो क्षेत्रको कुराहरू लिएर एसेम्ब्लीभित्र पनि पस्यौँ र एसेम्ब्लीभित्र पस्दा हामी एसडिएफ बी भएर बसेको थियौँ र अचानक हिजो उहाँहरूले 10 जना विधायकले एसडिएफ एका विधायकहरूले दिल्लीमा गएर नेसनल पार्टीमा उहाँले जोइन गर्नु भए पश्चात अब हामी 3 जना विधायक रह्यौँ एसडिएफ पार्टीमा र 3 जना विधायकमा हामी 2 जनाले पनि अब यो निधो गऱ्यौँ कि अब जनताको काम गर्नुको लागि हामी आएका हौँ र अब हामीले पनि रिजनल हाम्रो सेन्टिमेन्ट छ र सिक्किम का जम्मै समस्त सिक्किमवासीहरू रिजनल पार्टीलाई नै रुचाउँछन् र हामी पनि अब रिजनल पार्टीमा नै पसेर जुन सरकार छ त्यसमा पसेर जनताको काम गरौँ भन्ने निधो लिएर आज तपाईँहरूले हामीले राखेको छौँ। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS